ऋषिकेश की बात कर लेते हैं, जहां छात्रा को तिलक लगाना भारी पड़ चुका है। एग्जामिनर एसएल यादव ने तिलक पर सवाल कर दिए, पूछा क्या तिलक लगाने से पास हो जाओगी। एम्स में परीक्षा दे रही थी शालिनी मिश्रा, दिल्ली एम्स से आए थे एसएल यादव। पीड़ित छात्रा ने सीएम पोर्टल पर उसकी शिकायत की है। छात्रा ने मानसिक उत्पीड़न का आरोप भी लगा दिया। ऋषिकेश एम्स डीन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो एम्स में परीक्षा देने के लिए पहुंची थी शालिनी मिश्रा, जहां पर उससे सवाल किया गया है एग्जामिनर द्वारा एसएल यादव द्वारा कि क्या तिलक लगाने से पास हो जाओगी, जिसके बाद छात्रा ने इसकी कंप्लेन कर दी है। और इसके साथ ही छात्रा ने यह भी कहा है कि उसे मानसिक उत्पीड़न दिया गया है। सीएम पोर्टल पर उसने इसकी शिकायत की है। दिल्ली एम्स से आए थे एसएल यादव, जिन्होंने छात्रा से सवाल किया। मुझसे कहते हैं कि तुमने ये तिलक क्यों लगाया हुआ है। मुझसे कहने लगे कि ये तिलक तुमने जो लगाया है, ये भगवान तुम्हें मुझे फेल करने से नहीं बचा सकते। एक कंप्लेंट हमें रिसीव हुई है एक रेसिडेंट की तरफ से, उसके बारे में हम जांच कर रहे हैं और जो भी नियमानुसार कार्यवाही उचित होगी वो हम लोग करेंगे। गणेश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, पूरे मामले को लेकर क्या स्पष्टता अभी तक हो पाई है? जी बिल्कुल, जिसमें शालिनी वो यहाँ पर एक शालिनी डॉक्टर है, वो यहाँ पर एम्स मेडिसिन की परीक्षा देने आई थी। तो जब वो परीक्षा हमें वहाँ पर गई, तो जो वहाँ पर परीक्षा नियंत्रक थे, तो उन्होंने उनके तिलक लगाए जाने को लेकर के टिप्पणी की, जिस पर कहा क्या तिलक लगाने से तुम पास हो जाओगे या तुमको फेल करने से रुक जाओगे। इस तरह के आरोप लगे हैं। हालांकि एम्स प्रशासन को जो परीक्षा देने के लिए आई थी डॉक्टर शालिनी, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। एम्स प्रशासन ने भी कहा है कि उस पर जांच की जा रही है। और जिस तरह से एक मामला आया है, एक तरफ महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम किए जाते हैं बड़े बड़े, और इस तरह से बड़े संस्थानों में अगर इस तरह के मामले आते हैं, महिलाओं को लेकर के ऐसी टिप्पणी की जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गंभीर बात है। शुक्रिया गणेश जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर। तो ये आपको बता दें, शालिनी जो कि एग्जाम देने के लिए पहुंची थी एम्स में, वहां पर एक एग्जामिनर पहुंचते हैं जिनका नाम एसएल यादव है, जो कि शालिनी से ये सवाल करते हैं कि तिलक लगाकर क्यों आई हो, क्या तिलक लगाने से पास हो जाओगी, जिसके बाद छात्रा ने इसकी शिकायत सीएम पोर्टल पर की है और उसने ये भी कहा है कि उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया है। उसे सवाल क्यों पूछा गया इसका भी जवाब उसने मांगा है। उसका मानसिक उत्पीड़न हुआ है, ऐसे उसने आरोप लगाए हैं। ऋषिकेश एम्स डीन ने फिलहाल जांच के आदेश दे दिए हैं। तो छात्रों को तिलक लगाना काफी ज्यादा भारी पड़ गया, वो इसलिए क्योंकि जब एग्जाम देने के लिए बैठी वो, तो एग्जामिनर आते ही उससे सवाल पूछने लगा। लेकिन इस सवाल के मायने क्या थे, क्यों ये सवाल पूछा गया, क्या ये सवाल पूछना जरूरी था जब एग्जाम देने के लिए एक छात्र या छात्रा कोई भी बैठा है, तो क्या ये सवाल पूछना जरूरी था, ये सवाल क्यों पूछा गया। शालिनी ने इसको लेकर कंप्लेंट की है, उन्होंने कहा मानसिक तौर पर उत्पीड़न एक तरीके से उनका किया गया है। वो एग्जाम देने के लिए पहुंची थी और उनसे ये सवाल सीधे उससे पूछा गया। और इस पूरे मामले में चूंकि डीन के पास ये पूरा मामला पहुंचा है, उन्होंने भी संज्ञान लिया है, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है वो आप सुनिए। एक कंप्लेंट हमें रिसीव हुई है एक रेसिडेंट की तरफ से, उसके बारे में हम जांच कर रहे हैं और जो भी नियमानुसार कार्यवाही उचित होगी वो हम लोग करेंगे। तो ये जानकारी आपको दे दें, अब इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। ऋषिकेश से खबर है।